17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनि धाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निःशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमन आ रहा है। नमन आ रहा है। 27 फरवरी 2018 और मंगलवार का दिन है। क्या आपके कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कर्मचारी बार बार आपके काम को छोड़कर चले जाते हैं? कोई कर्मचारी आता है, थोड़े दिन काम करता है, फिर छोड़कर चला जाता है। लोगों ने और अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया। कार्य की दिशा नजर नहीं आ रही, जीवन में अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा, कोई राह नजर नहीं आ रही, या फिर तुतलाने की बीमारी है। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ जा रहा हूं गुरु मंत्र में। नमन आ रहा है। काय परेशान सकुन और शांति का संदेश लेकर दाती महाराज आपके साथ है। बस इन आंखों में देखिए और इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। गुरु मंत्र प्रारंभ करूं, उपाय प्रारंभ करूं, उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मेरा ये संदेश, संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राशिवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 17 मार्च 2018 और अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है 16 फतेहपुर बेरी की पावन भूमि, 1857 का वो गदर और तमरों का बलिदान। ये बाबा धना का परिवार था, संपूर्ण इनों गांव तौरों का था। राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उन बलिदानों की भूमि पर श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर में पधारिए। शनि अमावस्या इस पावन पर्व शनि धाम और करी प्रभु के दर्शन कि आपका कल्याण। मेरी आराध्य की तपोभूमि में संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। राष्ट्रवासियों, दर्शन करने मात्र में जीवन में हरियाली आ जाए। भगवान शनिदेव के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हाँ, दिल्ली और NCR के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन है कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है, और यह निःशुल्क बस सुविधा KR मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों की ओर से, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, पुनः हृदय से सादर आमंत्रित कर रहा हूँ संपूर्ण राष्ट्र, NCR और दिल्ली के शनि भक्तों को। नमन आ रहा है। अरे, गुरु मंत्र में शुरू करते हैं आज का उपाय। मित्रों ने कहा है, दाती महाराज बहुत अच्छा काम चल रहा, लेकिन कर्मचारियों को लेकर बहुत परेशान है। ऑफिस में से, फैक्ट्री में से कर्मचारी थोड़े दिन काम करते और भाग जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, क्या करें? जब कभी आप अपने घर से बाहर, अपने ऑफिस या अपने कारखाने या फैक्ट्री पर जाए, तो शनिवार के दिन जब घर से बाहर निकले कोई लोहे की कील मिल जाए, उसे उठा लीजिए। फैक्ट्री ऑफिस में जाते समय उसको साथ ले जाइए, जल गंगा जल से पवित्र करिए। आपके कर्मचारी जहां कार्य करते हैं वहीं उसे दक्षिण दिशा में ठोक दीजिए, उस कील को ठोक दीजिए। अब आप ठोक के देखिएगा, अद्भुत प्रभाव मिलेगा आपको, ऐसा मैंने संतों से सुना था। न मना रहे। अगला कदम भरो, उससे पहले मंगलवार का पंचांग, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र चंद्रमा कर्क राशि। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह।
27 फरवरी यदि आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 27 फरवरी आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने एजुकेशन अच्छा किया लेकिन कैरियर में उठा, आपका कारोबार में लाभ नहीं मिला, कारोबार में असफलता, परिवार में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिला, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और जीवन में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कुछ बातें जिनको ध्यान में रख लीजिए। एक, अकारण कभी क्रोध नहीं करें, और यदि आप अपना आचरण अच्छा रखते हैं तो दिन रात चौगुनी प्रगति होगी। हाँ, एक बात और, घर के सामने रास्ते में कोई गड्ढा है उसे तुरंत बंद कर दें, और हर रोज अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक करें। रात को सोते समय लाल कपड़े में श्रद्धानुसार सौंफ और बतासे बांधकर अपने सिरहारे रखें और प्रातःकाल बहते पानी में प्रवाह करें। ऐसा नियमित 43 दिन तक करें। साल में 2 या 3 बार ये उपाय जरूर कर लें। 2018 आपका मंगलमय बीतेगा, न मना रहे। अगला कदम सितारों की ओर, इसके लिए मैं आपको ले चेता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। आपके लिए बात करूंगा मंगलवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि वालों, गणनाएं ये कह रही कि प्रातः 10 बजे के बाद सितारे आपके पक्ष में करवटन नहीं ले रहे। सितारों की चाल अनुकूल नहीं, भाग्य आपके पक्ष में करवटन नहीं ले रहा है। सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, अनायासी कोई कार्य में आरोप लग सकता है और यात्रा से हानि है। जिसरे के घर योगायोग है, अनुकूलता का संकेत नजर नहीं आ रहा। मेष राशि वालों, थोड़ी सी सावधानी, छोटा सा उपाय, अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाइए, संकट मोचन हनुमान अष्ट का एक पाठ करिए और किसी गरीब निधन व्यक्ति को भोजन कराइए और गुड़ का दान जरूर दीजिए, कष्ट कम आए। क्या करें, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें, किसी से भी बैर भाव ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, समय आपके अनुकूल है, सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, गोचर संकेत दे रहा है कि परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आपके प्रयत्न सार्थक सिद्ध होंगे, कार्य व्यवसाय में सुधार के अवसर मिलेंगे, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक और पारिवारिक कार्य को करने का अवसर भी मिलेगा और धन लाभ भी होगा, यात्रा में भी मन संतुष्ट रहेगा, न मना रहे। क्या करें, अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें, कोई नवीन कार्य प्रारंभ न करें, न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, समय थोड़ा सा मध्यम है, भावावेश में आकर कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, स्वजनों को साथ लेके चले। थोड़ा सा आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखा तो स्वजन सतई आपके अपने आपके साथ खड़े रहेंगे और सारी परेशानियों से आपसे मुक्ति मिल जाएगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का शौक बढ़ेगा, आय की स्थिति मध्यम, थोड़ा खर्चा सोच समझ करेंगे तो दिन अच्छा बीत जाएगा, न मना रहे। क्या करें, कार्य व्यवसाय में संयम से काम लें। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, न मना रहे। मैं इस वर्ष मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूँ, उससे पहले मंगलवार का राहुकाल और मंगलवार की। मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है, लेकिन मेरा कहना है कि समय और साधनों में बड़ा परिवर्तन आ गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिए लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी की चरणों में गाय का घी का दीपक जलाइए, 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करिए और गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकले, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना। कर बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, गुरुगोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, सरकारी कार्यों में सफलता हासिल होगी, भूमि और भवन और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग, जो आपने सोचा वो पूरा होगा, व्यवसायिक विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ की स्थिति मनोनुकूल रहेगी, सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी और प्रसन्नता बढ़ेगी। क्या करें, सास से कार्य क्षेत्र में डटे रहें। क्या ना करें, भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े, ना मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि।
सिंह राशि वालों, सितारे ये संकेत दे रहे कि आज सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि भाग्य के सितारा आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया तो जटिल समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि आज अपनों का, पारिवारिक सदस्यों का, आसपास का सहयोग नहीं मिल पाएगा। अनुज और कर्मचारी से विवाद की प्रबल संभावना है, इससे बचना चाहिए। आज व्यवसायिक स्थिति भी संघर्षपूर्ण रहेगी और धन को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। छोटा सा उपाय और ये उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आज श्रद्धानुसार सूखे मेवे गरीब निधन कंजकों को अपने हाथ से बांटिएगा। प्रभु आपका भला करे। नमो नारायण। क्या करें, ईमानदारी से कार्य करें, क्या ना करें वाहन आदि तेजी से न चलाएं। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत। आज का गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। व्यावसायिक संबंधों में सुधार आएगा। कार्य गति तेज होने से धन और सुख के साधन बढ़ेंगे। जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे और मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद और यात्रा के अवसर भी प्राप्त होंगे। गोचर ठीक है। क्या करें, यदि आप चाहते कि आर्थिक लाभ बढ़े तो थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दीजिए। क्या ना करें, स्वजनों से कहा सुनी ना करें। नमो नारायण। कारक सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह। मकान के दक्षिण भाग में अधिक खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अधिक खाली जगह हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होने से लाभ मिलता, ऐसा वास्तु सलाह कहती है। जरा इसको देख लेना। नमो नारायण। बात करते हैं सुझाव। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या हमेशा सरदर्द रहता है, आपकी कोई राशि हो, कोई लग्न, आज के दिन राहु काल के दौरान किसी चौराहे पर दक्षिण दिशा में मुंह करके छोटे से गुड़ की डली को दांतों से काट कर, छोटे से गुड़ की डली दांतों से काटिए और वहीं छोड़ के आ जाए और घर आ जाए। अब आप करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूल, भाग्य आपके पक्ष में करो। सितारे सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। आज अर्थ लाभ की इच्छा पूरी होगी। जिस तरह की कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध भविष्य में लाभ प्रसिद्ध होंगे। दाम्पत्य जीवन पूर्ण सुख प्राप्त होगा और सहयोग भी प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में विशेष उन्नति के अवसर भी मिलेंगे और दिन अच्छा बीत जाएगा। नमो नारायण। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग करें, अच्छा रहे। क्या ना करें, बेवजह की चतुराई ना दिखाए। ना मन है। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि गणना ये करें कि धीरे 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 समय आपके अनुकूल होगा। सुबह से लेकर 12 बजे आते आते, मतलब दोपहर होते 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 संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। धन लाभ होगा। कारोबारी संबंध अच्छे रहेंगे। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा। सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमन है। क्या करें, अपनों से मतभेद दूर करें, ये बहुत जरूरी आज के दिन। क्या ना करें, व्यावसायिक परिवर्तन आज ना करें। ना मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, समय अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। आपके अपने ही गुप्त रूप से शत्रुता का व्यवहार करें और नुकसान पहुंचाने का व्यवहार करेंगे, थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। धनुराशि वालों, गणनाएं अर्थ हानि की संभावना संकेत दे रहा है। अर्थ हानि, हाँ, धन की हानि आज हो सकती है। बहुत जरूरी आज किसी के बहकाव में नहीं आए, अन्यथा परिवार में कलेश और तनाव बढ़ सकता है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर ये कह रहा है धनराशि वालों को सावधानी अपेक्षित है। छोटा सा उपाय और ये जरूर कर लें, छोटा सा उपाय। आज किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को पका हुआ पपीते का दान दीजिए, कष्ट कमाए। नमो नारायण। क्या करें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, नवीन कार्य की शुरुआत आज ना करें। नमो नारायण। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करो, उससे पहले आज का उपाय और आज के नुस्खे। आज का, यदि आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लाख कोशिशों के बाद राह नजर नहीं आ रही, तो किसी भी माह के प्रथम शनिवार दिन लगातार 3 शनिवार श्रद्धानुसार उड़द में गुड़ डालकर पकाइए, अपने ऊपर 7 बस उसार कर गाय को खिला दी, या शनिवार दिन श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में दान दे,
परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। नमनन बात करते हैं आज की नुस्खों। यदि हकलाट है और तुतलाट है, मतलब रुक रुक के बोलते हैं, तो डॉक्टर को दिखाइए, अच्छा रहेगा। लेकिन ये नुस्खा भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। एक गिलास दूध में दो छुआरे उबाल लें, हल्का ठंडा होने पर छुआरे को खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। ये प्रयोग रोज सोने से शुरू करें और इसके दो घंटे तक पानी नहीं पिए। ऐसा करने से हकलाने और तुतलाने की समस्या दूर हो जाए। आप करके देखिएगा। नमन आ रहे हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रहगोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत। आज गणनाएं आपके पक्ष में करवट ले रही है। ग्रहगोचर की शुभ दृष्टि होने से साहस और परिश्रम से हर कार्य सफल होगा। निर्मूल शंका और वाद विवाद दूर होंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अनुजों की सफलता के लिए किए गए प्रयास भी सार्थक होंगे। न मना रहे क्या करें, पारिवारिक सहयोग से कार्य करें, क्या न करें। यदि कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा में लापरवाही ना करें। न मना रहे और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गणनाओं की बात करें और गणनाएं ये करें कि थोड़ा समझ कर आई, परिश्रम का फल प्राप्त होगा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। ग्रह गोचर की दृष्टि से अभिसिद्धि की प्राप्ति के लिए समय उत्तम है। भाई बंधुओं के सहयोग से आंतरिक समस्या का समाधान होगा। व्यावसायिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और यात्रा अच्छी रहेगी। नमन क्या करें, कला और शास्त्र के क्षेत्र में आज प्रयास करिए, सफलता का आप इंतजार करें। क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई कार्य कोई सौदा आज ना करें। नमन आ रहे और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई परेशानी है। दैनिक खर्चे पूरे होंगे। थोड़ा सा व्यवसाय और नौकरी में संयम रखते हैं तो सफलता आपका दामन चुमेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक और सामाजिक कार्य को संपन्न करना आवश्यक होगा और उससे आपका मान सम्मान और आपका यश भी बढ़ेगा। आज परिवार का प्यार, पैसा और परिवार का साथ भी मिलेगा। नमन आ रहे क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य ना करें। नमन आ रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणनाओं पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मैं दावे नहीं करता, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं, वही आपको बांटने आता हूं। ये मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। नमन आ रहे। हाँ, ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि 17 मार्च नहीं भूलना, क्योंकि मेरे आराध्य का बड़ा दिन है। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से दाती महाराज का निवेदन कि पधारिए श्री शनि धाम, शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में और करी शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण। ज्यादा से ज्यादा शनि भक्तों से मेरा निवेदन है कि मेट्रो रेल का प्रयोग करें, क्योंकि छतरपुर मेट्रो स्टेशन से, दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुणे वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है। और ये बस सुविधा KR मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों की तरफ से है। नमन आ रहा है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दुर्घटनाओं से कैसे पीछा छूटे, पूजा और मंत्र बताऊंगा, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम में चलूंगा। नमन आ रहा है। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है दीवा दी देव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है दीवा दी देव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से, KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, क्या आपका कल्याण। नमन। मेरा नाम बलदार सिंह यादव, सुल्तान प्रेम जी रोड से आता हूँ और 7-8 साल से आ रहा हूँ। जो भी बिगड़े हुए मेरे काम होते हैं, मन्नत मांगता हूँ, पूरी हो जाती है। शनिदेव महाराज की कृपा, जो भी सोच के आओ काम पूरा हो जाता है। नारायण, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं नरेला से आता हूँ। मेरे को आते हुए यहाँ लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने से मेरे को, एक तो सबसे बड़ी बात है मानसिक शांति की,
मेरे मन में हमेशा टेंशन रहती थी, दिमाग में एक उतावलापन सा रहता था। तो जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है तो एक तो मानसिक शांति मिली है मेरे को, दूसरा मेरा रोज़गार 2 साल से नहीं लगा था, तो अब जो है जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है तो रोज़गार के भी अवसर मेरे को मिलने शुरू हो गए हैं। आज जो है उनकी कृपा हुई और आज हमें जो है ना दाती महाराज जी के दर्शन हुए और शनि महाराज जी के भी दर्शन हुए, उनकी अनुकंपा कृपा से हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। नमो नारायण। मेरा नाम सतपाल है, मैं रंगपुरी दिल्ली निवासी हूँ। इस मंदिर की संस्था से, मंदिर से 1 साल से जुड़ा हूँ करीब। यहाँ आके मन को बड़ी शांति मिलती है, बाबा के प्रवचन सुन के बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ी खुशी होती है। यहाँ आने से पहले मेरा जीवन बड़ा ही नरक में था, यहाँ आने के बाद मुझे जो संतुष्टि मिलती है उसका मैं क्या अनुभव बताऊँ आपको। यहाँ आके दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मन इतना शांत हो जाता है कि सभी बेचैनी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। नमो नारायण। हम लोग तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, गुड़गांव से आते हैं, 10 साल तो हो गए होंगे हमें यहाँ पे आते। यहाँ पे आके बहुत शांति मिलती है। मैं तो वहाँ पे जहाँ पे तेल चढ़ाते हैं वहाँ पे 1 घंटा आँख बंद करके बैठती हूँ और वो 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, पर मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोगों ने कहा कि दाती महाराज दुर्घटना ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमारे अपने हमारा साथ छोड़े, कार्य की दिशा नजर नहीं है और जीवन में अंधकार ही अंधकार है, क्या करें। ऐसी अवस्था में हनुमान जी की आराधना, आज मंगलवार का दिन है, रात के दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 मंगलवार करें। मंगलवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत 100 पान के पत्ते जल गंगा जल से पवित्र कर ले, प्रत्येक पत्ते पर कुमकुम और हल्दी से श्री राम लेके सदा रूप हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, ओम निधि पतये नमः इस मंत्र का जाप करते ये पत्ते हनुमान जी के सिर चरणों में अर्पित करते सदा अपने हनुमान जी की आरती करें, पूजन करें, प्रणाम करें, एक पत्ता लेकर अपने पर्स में रख बाकी बहते हुए पानी में प्रवाह करें, जीवन की संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। बात करते मंगलवार के जीवन में, एक बीज बढ़ते हुए कभी आवाज नहीं करता, मगर एक पेड़ जब गिरता है तो जबरदस्त शोर और आवाज होती है। प्रचार के साथ विनाश में शोर है, सर्जन हमेशा मौन रखकर समृद्धि पाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। अब ये समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। शनि देवा हरि ओम तत् सत् जय 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 शनि देवा
हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतने, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय। यदि कार्य में विघ्न और बाधाएं आ रही तो पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगी। आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए संपूर्ण राष्ट्र से विदा ले रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है दीवा देव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है दीवा देवी। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था के आर मंगलम वालों की तरफ से, के आर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण।